गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग अमन, ध्रुव, राधा, कौन कौन है आज यहाँ पे? भावेश, विशाखा, कृतिका, ऋतु, सरबजीत, सृष्टि, विशाखा। अच्छा, दो स्टूडेंट हैं यहाँ विशाखा के नाम से। आ जाइए सब, कर लेते हैं स्टार्टअप, ठीक है? सबको गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर बिहेवियर का ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच स्टार्ट कर लिया था, ठीक है? एक बार वीडियो ऑन कर लें सब, अपना कैमरा कैमरा सब ऑन रखेंगे बेटा। देखो स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर बीच में डिस्टरबेंस ना हो और किसी और को भी ना बोलना पड़े ये बात। तो आप लोग अपना वीडियो पहले ही ऑन रखा करो, कोई तो प्रॉब्लम तो है नहीं वीडियो ऑन रखने में, ठीक है? उल्टा एक लगता है कि चलो सेशन भी थोड़ा पार्टिसिपेटिंग चल रहा है, ठीक है, सामने स्टूडेंट्स दिखते हैं, क्योंकि मेरा पूरा फोकस तो पूरा स्क्रीन पे रहता है, तो आप लोग दिखने चाहिए, ठीक है, पूरा फोकस के साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे। यस एवरीवन, ऋतु, अमन, सब कैमरा ऑन कर लो, ठीक है? अगर कुछ बोला जाता है ना एक बार में, आप लोग उस चीज को फॉलो किया करो, ठीक है? सो दैट डिस्टर्बेंसेस ना हो बाद में, आपके लिए ही है। अच्छा नहीं लगता ना फिर बीच में आके कोई बोले तो, ठीक है? ओके फाइन, चलिए ज्वाइन कर लिया है जितने लोगों ने करना था, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हमने यही देखा था कि हम ये अप्रोच तब यूज करते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस दिए जाते हैं कि एक से ज्यादा कमोडिटी जब आप कंज्यूम करोगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको इस कमोडिटी से इतना सेटिस्फेक्शन मिला है और दूसरी कमोडिटी से इतना सेटिस्फेक्शन मिला है, ठीक है? तो सबसे पहली बात यही है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो था वो हमारा मोर देन वन कमोडिटी के केस में यूज किया जाता था, ठीक है? एटलीस्ट टू तो होने चाहिए, ओके? तभी हम अपना प्रेफरेंस दे पाएंगे कि हमें सबसे अच्छा कौन लगा और सबसे लीस्ट हमें बेकार कौन सा लगा, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग ही अपना बिहेवियर डिसाइड करते थे। अब बिहेवियर कैसा होता था? बिहेवियर जो था वो इनडिफरेंस कर्व के हेल्प से मेजर किया जाता था कि अगर आप एक कमोडिटी का सेटिस्फेक्शन बढ़ाओगे, कंजम्पशन बढ़ाओगे, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होगा और अल्टीमेटली आप क्या करोगे, दूसरे कमोडिटी को कम सैक्रिफाइस करने लगोगे, ठीक है? एक बिहेवियर तो ये चलेगा कि एक कमोडिटी का यूनिट्स अगर बढ़ रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी के यूनिट्स कम होंगे, राइट? जिसकी वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था। मोर ऑफ वन गुड मीन्स लेस ऑफ अदर गुड्स, ठीक है? दूसरा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व हमारा कॉन्वेक्स क्यों था? क्योंकि वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक कमोडिटी बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, जो कम हो रहा है, जो सैक्रिफाइस हो रहा है, उसका रेट भी डिक्लाइन होता रहता है। उसी वजह से जो हमारा MRS था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब इनिशियली किसी भी कमोडिटी को हमने कम कंज्यूम किया है और अब हम उसकी कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं, और उसकी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जब हम दूसरी कमोडिटी के यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इनिशियली हम ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, और जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं दूसरी कमोडिटी का, पहली कमोडिटी का जो सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स था वो फर्दर यूनिट्स पे कम होता रहता है, ठीक है? क्योंकि उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो कम हो रहा है, तो आप क्यों चाहोगे कि आप बार बार ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस करो दूसरी कमोडिटी के लिए, ठीक है? जब उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपको कम हो, क्योंकि आप उसका कंजम्पशन ज्यादा करोगे, ठीक है? तो ये एक नॉर्मल सी बात थी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा चलता था, ठीक है? फिर हमने प्रॉपर्टीज की बात कर ली थी, दो प्रॉपर्टीज और थी। टू इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इनडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, ठीक है? कट करके नहीं जाएंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि हर इनडिफरेंस कर्व जो है वो अपना
जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है दोनों का डिफरेंट होता है, सेम नहीं हो सकता, ठीक है। एक ही पॉइंट पे आप दोनों इंडिफरेंस कर्व से सेम सेटिस्फेक्शन बोल दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप सिंगल इंडिफरेंस कर्व पे रह के अपना सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता सकते हो, पर दो इंडिफरेंस कर्व एक ही पॉइंट पे दूसरे को नहीं काट सकती, और ये नहीं बोल सकती कि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, फिर तो एमआरएस वाली बात ही नहीं रह जाएगी। इसका मतलब तो यही होगा ना कि आप सैक्रिफाइस हर यूनिट पे इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम हमेशा जो सैक्रिफाइस करते हैं वो लेस नंबर ऑफ यूनिट से करते हैं, तो यही बात होती है कि आपका इंडिफरेंस कर्व जो है ना वो कट नहीं करता एक दूसरे को, क्योंकि एक भी कॉम्बिनेशन हमें ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ये वाली बात होती है इसमें, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इक्वल कॉम्बिनेशन शो नहीं कर सकते। और हमारा लास्ट जो था वो था हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व सबसे ऊपर होगा इंडिफरेंस मैप पे वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। वो हमने इंडिफरेंस मैप क्या होता है लास्ट क्लास में देख लिया था, एक ही डायग्राम पे, एक ही कर्व पे, एक ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जब आप तीन चार इंडिफरेंस कर्व बना देते हो, उसे ही हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। मतलब फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप, ठीक है। यही बात है इंडिफरेंस मैप की। तो इंडिफरेंस मैप पे जो सबसे ऊपर होगा इंडिफरेंस कर्व वो सबसे ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, क्यों? क्योंकि उस इंडिफरेंस कर्व पे जो कॉम्बिनेशन होंगे टू गुड्स के वो सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। वो हमने समझ लिया था डायग्राम बना के। आज हम आगे बात करते हैं, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया था हमारा एमआरएस में, इंडिफरेंस कर्व में ही। वैसे तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बजट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट बिफोर दैट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो एमसीक्यूज फॉर्म में पूछा जाता है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कौन मेजर करता है। जब भी मैंने आपको कर्व बनवाया लाइक डिमांड कर्व का, ठीक है, तो मैंने आपको स्लोप निकलवाना सिखाया था कि किसी भी कर्व का हम स्लोप कैसे निकालते हैं। तो सिमिलरली इंडिफरेंस कर्व जो है वो भी एक ग्राफ है, वो भी एक कर्व है, तो उसका भी एक स्लोप तो निकलेगा ही ना, ठीक है। तो हमें स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की बात करनी है आज। तो पहले हेडिंग डालेंगे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। आज का टॉपिक स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व से। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ध्यान से चीजों को समझते हुए चलना है, और आज हम एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे का ही हार्डली हमारे टॉपिक बचे हैं, तो बाकी के 1 घंटे विल डू एमसीक्यू, ठीक है। तो इसीलिए जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ध्यान में रखना है, और अभी जो चलेगा वो भी ध्यान में रखना है। वैसे स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली आपको डिमांड और सप्लाई के मिलेंगे, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई एक बार आपको ध्यान रखना है, बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेके आप लोग उसमें रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बेसिकली स्लोप लिखा है बेटा ये, ठीक है, SLOPE। ग्लोप क्या होता है? ग्लोप कुछ नहीं होता, स्लोप, ओके, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नए नए डिक्शनरी मीनिंग निकाल रहे हो तुम, है ना। चलो, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो मेजर करता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सबसे पहले तो ये लाइन लिखेंगे, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय स्लोप ऑफ, एक मिनट, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, वही आपके स्लोप को मेजर करता है, इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। आप बस स्लोप का फॉर्मूला याद रखो, मैंने आपको लिखवाया था डिमांड वाले चैप्टर में, ठीक है। तो एक बार आप वो लोग रिकॉल कर लो, हम स्लोप निकालते कैसे हैं, किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना है तो सबसे पहले तो आपको एमसीक्यूज में यही पूछ लिया कि बताओ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कौन मेजर करता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, कुछ भी दे सकता है ऑप्शंस में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेजर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लोप के फॉर्मूले की। किसी को याद है स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी कर्व का? एनीवन? मैंने डिमांड में करवाया था, उससे पहले मैं यहाँ एक बार डायग्राम बना लूँ इंडिफरेंस कर्व का। मुझे बस स्लोप का फॉर्मूला बता दो। जल्दी जल्दी भाई, कोई तो बताओ, किसी को नहीं पता स्लोप का फॉर्मूला? हमने उसी दिन तो लिखा था। देखो लाइक फॉर से दिस इज द डायग्राम ऑफ इंडिफरेंस कर्व, राइट। अगर ये इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम है तो हर एक कर्व का स्लोप तो निकलता ही। सर यस सर एम आर एस इज इक्वल्स टू पी एक्स बाय पी वाई। एम आर एस इज इक्वल्स टू पी एक्स बाय पी वाई इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, एम आर एस का ये फॉर्मूला नहीं होता, पी एक्स बाय पी वाई। ओके, डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू, करेक्ट। जैसे ध्रुव बता रहे हैं कि ध्रुव आपने जो ये बताया है डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू, दिस इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, क्योंकि डिमांड कर्व पे वाई एक्सिस पे प्राइस होता था, एक्स एक्सिस पे डिमांड होता था, ठीक है। तो भाई जो चीज मेजर करोगे तुम वाई और एक्स एक्सिस पे उसी का तो डेल्टा निकालोगे। बट यहाँ पे अगर मैं आईसी कर्व का स्लोप बोलू ना, स्लोप ऑफ आईसी कर्व, स्लोप ऑफ आईसी कैसे निकालेंगे, तो आप खुद देख सकते हो ये हम गुड वाई ले रहे हैं, दो कमोडिटी लेते हैं ना हम इंडिफरेंस कर्व में। यहाँ पे प्राइस और डिमांड तो चलता नहीं है, यहाँ पे तो क्वांटिटी ऑफ टू कमोडिटीज लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो एक्स एक्सिस पे हमने कमोडिटी एक्स ले लिया और वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई ले लिया, तो इसका जो फॉर्मूला बना स्लोप का वो बना डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। हमेशा स्लोप हम निकालते हैं जो भी चेंज आप वाई एक्सिस वाले वेरिएबल में कर रहे हो डिवाइड बाय जो भी चेंजेस आप एक्स जो एक्सिस हैं उसके वेरिएबल में कर रहे हो। एज महक सेड, वेरी गुड, ठीक है। चेंज ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन द वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हो वाई एक्सिस पे आपके क्वांटिटी ऑफ गुड वाई है एंड एक्स एक्सिस पे आपके क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स है, ठीक है। तो ये कहने वाली बात है मेरा। अब सपोज करो यहाँ पे एक शेड्यूल भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि मेजर कर लेंगे हम। एक शेड्यूल भी ले लेते हैं जो हमने पुराना शेड्यूल बनाया था। दो गुड्स थे हमारे पास, एप्पल और बनाना के, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ये प्रूव करवाना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूला है ना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये अल्टीमेटली एमआरएस कैसे बन जाएगा, क्योंकि स्लोप तो एमआरएस मेजर करता है ना। ओके, यस। तो हमारे जो वैल्यूज थी वो कुछ ऐसी थी, एप्पल के थे 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। एंड बनाना के जो सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स थे वो कुछ इस ऑर्डर में थे, 15, 10, 6, 3 एंड 2, राइट। ये आपके फिगर्स थे। कंप्लीटली फाइन, ठीक है। अब इसी चीज को सपोज करो हम मेजर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इसी डायग्राम पे प्लॉट कर लेंगे ना, बट लेकिन पॉइंट्स डिफरेंट हो जाएंगे, बात यहाँ पे ये है। चलो कोई नहीं, इसी को हम मेजर करते हैं, हम शेड्यूल का ही डायग्राम बना लेते हैं एक बार। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये हमारी एप्पल के यूनिट्स हैं। सपोज करो एप्पल हमारा गुड एक्स है, ठीक है, तो एप्पल ऑन द एक्स एक्सिस। फिर सेकंड हमारा होगा बनाना का, हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। बनाना का जैसे हमने तीन तीन यूनिट्स लिए थे, तो तीन तीन यूनिट्स विल बी फाइन। 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड लास्ट 3 5 जा 15, गॉट इट। ओके, उसके बाद पॉइंट्स दो इनको। लाइक जब एप्पल 1 यूनिट्स है तो बनाना 15 यूनिट्स है, तो काइंड ऑफ दिस ना, यहाँ से कुछ स्टार्ट होगा कर, राइट, ये रहा, ठीक है। उसके बाद जब 2 यूनिट्स है तो 10 यूनिट्स, 10 हमारा यहाँ होगा।
फिर जब 3 यूनिट्स हैं एप्पल के तो 6 यूनिट्स ऑफ बनाना, एंड 4 पे 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, या एंड 5 पे 2, यस ये पॉइंट्स डाल दीजिए और ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ऐसा ही होता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब आप इसका स्लोप मेजर करो, स्लोप मेजर करो आप इस पॉइंट पे, स्लोप मेजर करो आप इस पॉइंट पे, ठीक है। खुद देखो हम क्या निकालते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बनाना के यूनिट्स, ठीक है, एंड डेल्टा वाई जो है वो एप्पल के यूनिट्स है। चाहे तो आप यहाँ पे भी डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स निकाल सकते, डेल्टा वाई स्टैंड फॉर बनाना एंड डेल्टा एक्स स्टैंड फॉर एप्पल के। तो आप खुद देखो यहाँ पे डेल्टा क्या आएगा, इसको मैंने एक्स ले लिया है, इसको मैंने वाई ले लिया है, ठीक है। ऐसा सपोज करो वाई ये है, तो इसका चेंज निकालो डेल्टा, 15 के ऊपर कुछ नहीं है तो खाली जाएगा ये, ये आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा, ठीक है। तो डिमिनिश हो रहा है हमारा डेल्टा वाई, क्योंकि उसको हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें तो सब पे वन वन होगा, क्योंकि एक एक यूनिट से आप बढ़ा रहे हो सब पे, ठीक है, वन वन का गैप है ना सब में, तो चेंज भी आपका वन वन होगा, बस इनिशियल वाला खाली जाता है बिकॉज इसके ऊपर कुछ नहीं है एंड इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, ये वाली बात है इसमें। अच्छा, इसमें आप माइनस का साइन लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ लिया है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्लाइन होता है, डिमिनिश होता है, तो नॉर्मल सी बात है माइनस में ही वैल्यूज आएंगी, बट लगाओ ना लगाओ, बट जनरल रिलेशन है, ठीक है, कि एक कमोडिटी को बढ़ाओगे तो दूसरा कम होगा, तो कभी कभी लगा भी लेते हैं, कभी कभी नहीं भी लगाते, बट दिस इज इन माइंड, दिस इज जस्ट अ रीजन की नेगेटिव रिलेशन है दो कमोडिटी के बीच, ठीक है। तो आपने डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स निकाल लिया है, ठीक है, अब आप खुद देखो, यस डाउट, लास्ट में डेल्टा वाई में 1 आएगा, लास्ट में डेल्टा, ओके, यस 5 4 3 एंड देन 1, करेक्ट, थैंक यू। ओके, तो दिस इज द फिगर्स। अब आप जरा अपने एमआरएस को देखो, जो आपने एमआरएस बनाया था, आपका एमआरएस भी तो यही था ना, हमने जो लास्ट क्लास में देखे थे रेशियो, देखो अपने टेबल्स पे यही थे ना, 5:1, 4:1, 3:1 एंड 2:1, राइट, यही तो आपके कॉम्बिनेशंस थे लास्ट में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब हमने निकाला था। तो जब हम स्लोप भी निकालने जाएंगे, फॉर सपोज स्लोप एट दिस पॉइंट, कॉम्बिनेशन का नाम दे दे, ए बी सी डी एंड ई, हम स्लोप निकाल रहे हैं एट द कॉम्बिनेशन बी, ठीक है, स्लोप एट द कॉम्बिनेशन बी। तो स्लोप कैसे निकलता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई जो कॉम्बिनेशन बी पे है वो है 5 एंड डेल्टा एक्स है 1, तो अल्टीमेटली वही तो हो गया 5:1 स्लोप, या 5 भी कह सकते हो आप, एमआरएस भी वही है, ठीक है। सिमिलरली आप स्लोप निकालो एट कॉम्बिनेशन सी, क्या वैल्यूज है, 4:1, तो 4:1, 4:1 का ही रेशियो मिला, ठीक है, विच इज अगेन इक्वल टू द एम आर एस। तो आप क्या देख रहे हो, जब आप स्लोप निकाल रहे हो इंडिफरेंस कर्व का, तो वो जो आपको वैल्यूज दे रही है वो इक्वल है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो निकालता है ना, वो स्लोप ही होता है इंडिफरेंस कर्व का, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया दैट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाएगा, जस्ट नॉर्मल एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लेंगे, तो माइंड में रखना इस बात को, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम इतनी सी बात बतानी थी मुझे आपको, अब हम बजट लाइन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बजट लाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान रखना इसको अच्छे से एक बार, बजट लाइन
देखो बजट लाइन करने से पहले एक बार हेडिंग तो डाल लो, बाकी थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। बजट लाइन, ओके। तो बजट लाइन जो है, सबसे पहले बजट का मतलब देखो नॉर्मल यही है ना कि हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीव्स, राइट। हर घर का एक अपना बजट होता है, हर कंट्री का अपना एक बजट होता है, ठीक है। कंट्री का जो बजट होता है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, और इंडिविजुअल लेवल जब हम हाउस होल्ड की बात करते हैं बजट की, तो उसको हम फैमिली बजट बोलते हैं, ठीक है। हर एक फैमिली मेंबर का अपना एक बजट होता है, मेरी फैमिली का अपना एक बजट होगा, आपकी फैमिली का अपना एक बजट होगा महीने का, जिसमें आप ये एस्टिमेट करते हो कि इस महीने का ये खर्चा है, ये गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है, इस नीड्स की जरूरत है, ये प्राइस होने वाला है उस गुड्स का, ठीक है। तो डिसाइड क्या करना है कि क्या हम इतने एफिशिएंट हैं, क्या हम इतने एबल हैं, क्या हमारा बजट इतना ज्यादा कैपेबल है कि हम वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सके, ओके। तो बजट में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बजट जो है वो डिपेंड करता है हमारी पहली बात तो इनकम पे, और दूसरा वो डिपेंड करता है प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। क्योंकि मान लो आपके पास इनकम है बट वो इनकम जो है वो कम पड़ गई एज कंपेयर टू प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यार जब आपको लगा कि प्राइसेस ज्यादा है और इनकम कम है, तो आपका बजट बिगड़ जाएगा। इक्वली वाइस वर्सा भी चले कि प्राइसेस आपको कम लग रहे हैं बट इनकम आपकी बहुत ज्यादा है, तो फिर तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। उसमें भी आपका बजट बैलेंस तो नहीं रहेगा, बट हाँ आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा वहां पे, तो आप एकदम उस पोजीशन प्लेजर वाले पोजीशन में होंगे, ठीक है। हाईली प्लेजर कि इनकम इतनी ज्यादा है और प्राइसेस कितने सस्ते हैं, तो इसमें आप एन नंबर ऑफ शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो बजट जो है वो डिपेंड करता है कंज्यूमर की इनकम पे और गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस पे, तभी तो हम कॉम्बिनेशंस डिसाइड कर पाएंगे कि हम दो कमोडिटी के किस कॉम्बिनेशंस को खरीदें। आपने कॉम्बिनेशंस तो बना लिए, 1 यूनिट ऑफ एप्पल, 15 यूनिट्स ऑफ बनाना, 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल, 10 यूनिट्स ऑफ बनाना, पर ये जो आप कॉम्बिनेशन डिसाइड कर रहे हो कि आपको इतना एप्पल खरीदना है और आपको इतने बनाना खरीदने हैं, तो भाई वो तो आपकी बजट पे डिपेंड करेगा ना। और आपका बजट जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इनकम पे और प्राइसेस पे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस हम कैसे अचीव करें, वो जो कॉम्बिनेशंस हैं दो कमोडिटी की हम कैसे बनाएं। अगर मैं आपको सपोज करो इनकम दे दूं हाथ में, और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज तुम खरीदने जा रहे हो उसके ये प्राइसेस हैं, तो आप एक हिसाब लगाओगे, अच्छा इतनी इनकम है, ये प्राइसेस हैं, तो दैट मीन्स इस कमोडिटी की हम इतनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं और दूसरी कमोडिटी को हम इतना खरीद सकते, ठीक है। तो हाथ में इनकम हो और प्राइसेस की नॉलेज हो तो कितना क्वांटिटी हमें खरीदना है ये तो हम डिसाइड कर ही सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस जो है ना वो डिसाइड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन, आपके बजट के थ्रू वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये है बजट का इंपॉर्टेंट रोल कि जो कॉम्बिनेशंस हम बनाते हैं टू गुड्स के, वो ऐसे नहीं बन जाते कि आपने माइंड में कुछ भी ले लिया, वो आपके डिपेंड करते हैं आपके बजट पे कि आप कितने कैपेबल हो कॉम्बिनेशंस खरीदने के। फिर तो बाकी चीजें जो हैं जैसे कि लॉ ऑफ डीएमयू एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो तो अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। बट पहली बात क्या है कि बजट में हो कि नहीं हो कि आप ये खरीद सकते हो प्रोडक्ट, तो ये हमारा बताता है बजट लाइन। तो अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ बजट लाइन कि जो हमने अभी थियोरेटिकली समझा, ठीक है। तो जो भी आपके माइंड में गया है ये अबाउट द बजट लाइन, उसका एक मीनिंग लिख लो, दैट बजट लाइन रेफर्स टू दी, बजट लाइन रेफर्स टू दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब नॉर्मल सी बात है बेटा, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो लाइन है तो वो लाइन कहीं पे ड्रॉ भी होगी ना, तो ड्रॉ होगी तो नॉर्मल सी बात है इसका भी एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, बजट लाइन रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स
दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच अ कंज्यूमर कैन परचेज विच ए कंज्यूमर कैन परचेज विद द हेल्प with the given income and prices of goods and services with the given income and prices of goods and services such that in such a way that the cost of बड़ा है थोड़ा डेफिनेशन बट लिख लो आप एक बार ठीक है इन सच अ वे दैट द कॉस्ट ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस दैट द कॉस्ट ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर इज इक्वल टू द मनी इनकम of the consumer and his satisfaction remains same and his satisfaction remains same okay fine इसको थोड़ा सा ना इंटरप्रेट करते हैं सबसे पहले अंडरलाइन करना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये वो सबसे इंपॉर्टेंट ठीक है देन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स बताता है ये ठीक है विच अ कंज्यूमर कैन परचेज विद द गिवन इनकम एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ वे दैट द कॉस्ट ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ ए कंज्यूमर एंड हिज सैटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बजट लाइन को कंप्लीट करती है अपने आप में ठीक है अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं स्टार्टिंग से देखो बजट लाइन रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बजट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दैट वी नो पर ये क्या चीज बनाएगा ग्राफ पे ये बनाएगा हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो एक कंज्यूमर परचेज करता है किसकी हेल्प से अपनी इनकम की हेल्प से और जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है उसको जानकारी में रखते हुए और वो इस तरीके से अपने इनकम और अपने प्राइसेस जो है गुड्स एंड सर्विसेज को वो इस तरीके से सामान खरीदेगा कि जो कॉस्ट है ना सामान खरीदने का वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए उसकी इनकम के ठीक है और उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो भी सेम रहे बिकॉज वो दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे रहने चाहिए कि आपने इस कमोडिटी को इतना कंज्यूम किया और दूसरी कमोडिटी को इतना कंज्यूम किया तो आप हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला जिसको हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं ठीक है तो बजट लाइन में आपका मेन एम क्या है कि आपका जो कॉस्ट है ना वो कभी भी इनकम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए एंड खुद भी सोचो कॉस्ट इनकम से एक्सीड कैसे कर जाएगी आपके पास इनकम ही सपोज करो 500 है पॉकेट में तो आप 500 से ज्यादा का सामान कैसे ले सकते हो अब चाहे उस 500 में आपको दो कमोडिटी की क्वांटिटी खरीदनी हो चाहे तीन कमोडिटी की क्वांटिटी खरीदनी हो या चाहे चार कमोडिटी ठीक है आपको वो 500 को ऐसे स्पेंड करना है सारी कमोडिटी पे कि कुछ क्वांटिटी एक कमोडिटी की खरीद ली कुछ क्वांटिटी दूसरी कमोडिटी की खरीद ली बट आपका जो वैल्यू है दोनों को मिला के वो इनकम से तो एक्सीड नहीं कर पाएगा ना इनकम के इक्वल ही रहेगा या कम हो सकता है कि चलो पैसे बच गए बट पैसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कैसे खरीद सकते हो जब मार्केट में तुम लेके जाओगे 500 रुपए और तुम शॉपिंग 1000 की कैसे कर सकते हो हाउ कुड इट बी पॉसिबल ये तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो यहाँ पे बजट लाइन यही बताता है कि आपका जो बजट है ना विच इज इनकम एंड प्राइसेस उसकी हेल्प से आप अपनी वैल्यू को कभी भी ना इनकम से ज्यादा नहीं कर सकते ठीक है तो यही बजट लाइन बताता है कि कुछ इस तरीके से खरीदो कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशंस रखो टू गुड्स के कि जब तुम वैल्यू निकालो उनकी तो वो हमेशा इक्वल रहे तुम्हारी इनकम और तुम ये बोल सको कि यस वी आर मैक्सिमम सेटिस्फाइड ठीक है सो दिस इज अबाउट द बजट लाइन
अब हम बजट लाइन को ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखते हैं, बिकॉज मैंने आपको ये तो बता दिया कि चलो मनी इनकम के इक्वल रहना चाहिए कॉम्बिनेशंस, बट कॉम्बिनेशंस ड्रॉ करके देखते हैं ना, देखते हैं कैसे हमारा इनकम के इक्वल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है मुझे आपको यही बताना है, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा जब आप लोग बजट लाइन बनाते थे इको में स्पेशली इसमें, तो आप लोग को फिगर्स दी जाती थी, इनकम दिए जाते थे, प्राइसेस दिए जाते थे और आप लोग एक सेट बनाते थे। ठीक है, तो वही है आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, एक सेट बनाना है बजट का, शेड्यूल बनाना है। ठीक है, बट बिफोर दैट कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो वो बजट शेड्यूल को बनाने से पहले मैं आपको देना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, फॉर एग्जाम्पल सपोज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया बजट लाइन दो चीजों पे डिपेंड करती है, इनकम और प्राइसेस, तो ये आपको हमेशा गिवन होंगे, तभी तो आप कॉम्बिनेशंस निकाल पाओगे, बिना इनकम और बिना प्राइसेस की हेल्प से आप कॉम्बिनेशंस कैसे निकाल लोगे। हाँ, तो फिर सपोज करो एक कंज्यूमर है, सपोज अ कंज्यूमर हैज इनकम, उसकी इनकम जो है ना वो है रुपीज, अभी उसके पॉकेट में 500 है सपोज कर लो, ठीक है, और दो कमोडिटी वो खरीदना चाहता है सपोज करो, ठीक है, एप्पल ही ले लेते हैं और एक बनाना, दो तो रखना पड़ेगा बिकॉज इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, तो दो कॉम्बिनेशन तो रखने पड़ेंगे। मुझे आपको प्राइसेस बताने हैं इसके, प्राइसेस ऑफ एप्पल एंड प्राइस ऑफ बनाना, क्योंकि बिना इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप कॉम्बिनेशन नहीं निकाल सकते। तो आपका जो प्राइसेस ऑफ एप्पल है ना वो है 25 रुपीज एंड जो आपका बनाना का प्राइस है वो है 50 रुपीज। ओके, तो ये आपके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से आप लोग एक बजट का शेड्यूल बनाओगे। तो ये तीन चीज नोट करो एंड लेट्स ड्रॉ अ बजट शेड्यूल। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं बजट शेड्यूल को। बजट शेड्यूल या बजट सेट भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, अब क्या है कि आपको बजट शेड्यूल बनाने के लिए एक साइड तो रखना पड़ेगा जो प्राइस लिया है आपने एप्पल का, वो पी ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं प्राइस एप्पल का, ठीक है, पी ए से, और प्राइस ऑफ बनाना को ना मैं पी बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, प्राइस ऑफ बी। ओके, देन उसके बाद, अच्छा प्राइस ऑफ बी यहां पे नहीं रखना चाहिए था, यहां पे क्वांटिटी ऑफ ए रखते हैं, प्राइस और क्वांटिटी सामने सामने रहेगी दोनों की। ठीक है, अब यहां पे मैं ले लेता हूं प्राइस ऑफ बनाना, प्राइस ऑफ बनाना एंड क्वांटिटी ऑफ बनाना, और यहाँ पे आपके रहेंगे मनी इनकम। इनकम को हम, मनी इनकम को हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको ना एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, ओके, तो यही कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए। ठीक है, नीचे एक फॉर्मूला लिख लो कैसे आप लोग निकाल सकते हो, बेसिकली एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्मूला, ऑफ बजट लाइन, फॉर्मूला क्या होगा बजट लाइन निकालने का, तो फॉर्मूला होगा योर मनी इनकम शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड ए इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड ए, दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, प्लस प्राइस ऑफ गुड बी इनटू क्वांटिटी ऑफ गुड बी, ये होगी इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। ठीक है, आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, तो ये नोट करो, नॉर्मल सी बात है ना, मैंने क्या बोला है डेफिनेशन में कि जो इनकम है और जो कॉस्ट है वो इक्वल होना चाहिए, तो ये कॉस्ट हो जाएगा गुड ए का और ये कॉस्ट हो जाएगा गुड बी का,
दोनों को प्लस कर दो तो कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं है, क्योंकि तुम इनकम से ज्यादा थोड़ा खरीद लोगे। ठीक है, जितने पैसे रहेंगे साथ में उतना ही तो कॉम्बिनेशंस खरीद पाओगे, उतनी की तो शॉपिंग कर पाओगे। ओके, प्राइसेस क्या थे हमारे एप्पल के? 25। ठीक है, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे, बिकॉज प्राइसेस तो कांस्टेंट रहने चाहिए अगर एक टाइम पे आप एक चीज की स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, ओके फाइन। यहाँ पे प्राइसेस ना बेटा 20 रखने थे, मेरे ख्याल से 20 था यहाँ पे। यस, प्राइसेस आप इसको ना 20 कर लो एक बार। ठीक है, 20 कर लो, फाइन 20 है प्राइसेस। ठीक है, पांच कॉम्बिनेशंस अभी रखते हैं, देखेंगे अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो बढ़ाएंगे। ठीक है, और प्राइस ऑफ बी था 50, राइट? 50, 50, 50, 50 एंड 50। अब इनकम तो सब पे 500 ही रहेगी ना, 500 से ज्यादा तो आप स्पेंड नहीं कर सकते, तो हर एक कॉम्बिनेशन पे जो आपके पास इनकम है वो सिर्फ 500 ही 500 है। ठीक है, अब आप बताओ कि 20 रुपए का जब एप्पल मिल रहा है तो कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, और 50 रुपए का अगर बनाना मिल रहा है तो बनाना की क्वांटिटी क्या खरीदनी चाहिए, सो दैट कि ये फॉर्मूला हम लगाएं तो दोनों का जो वैल्यू आए दोनों को प्लस करने के बाद वो एग्जैक्टली 500 के इक्वल आए, बिकॉज 500 इज द इनकम। ओके, प्राइस ऑफ एप्पल हमें रखना, प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो 20। यस, वो 20 है सब पे। ठीक है, वो मिस करेक्ट वो हो गया था। ओके, इनकरेक्ट था वो इन्फॉर्मेशन। ओके, उसको एक बार ठीक कर लो आप, 25 से 20 कर लो। ठीक है, और अब मुझे बताओ कॉम्बिनेशंस क्या होना चाहिए। लाइक अगर 20 रुपीज में एप्पल मिल रहा है और 50 रुपीज का बनाना मिल रहा है तो कितनी क्वांटिटी खरीदें कि 500 रुपये बैठे, खुद सोचो। सबसे पहले तो एक का हाईएस्ट कर, ठीक है, एक का हाईएस्ट कर लो। ऑर्डर वो रहना चाहिए ना, वो भी वायलेट नहीं होगा बच्चे, ऑर्डर वो याद रखो, एक बढ़ता रहेगा दूसरा गिरता रहेगा। ठीक है, तो हमेशा वो सोचो जो तुम पॉसिबल खरीद सकते हो। सपोज करो देखो ये लो, इसका तुम 25 कर दो और इसका अभी 0 कर दो। ठीक है, 25 × 20 एंड 50 × 0, तो क्या बना ये? 25 × 20 इज 500 एंड 50 × 0 इज 0, तो 500 + 0 इज 500, राइट? यही बना, ये 500 आया ना और ये 0 आया, तो 500 + 0 500 हो गया। तो दिस इज द परफेक्ट फॉर फर्स्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आपको ना आइडिया मिल गया है, हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करना। ठीक है, तुम हाईएस्ट कितना परचेज कर सकते हो एक कॉम्बिनेशन को वो तुम रख लेना, और दूसरे का नेल रखना, सो दैट कि एक ऑर्डर मिल जाए कि अब इतना बढ़ाते रहेंगे और इतना डिक्रीज करते सर, रहेंगे। यस, हम यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, आना चाहिए मनी अच्छा, वाली वैल्यू। जो क्वांटिटी में हमने रखी है, जी सर, पर कुछ भी रख सकते हैं, आनी चाहिए मनी वाली वैल्यू। बेटा इसमें ना हमें ऑर्डर ऐसा रखना पड़ता है कि आपका स्ट्रेट लाइन बन के आए, बजट लाइन। तो अगर आप कुछ भी ऐसे वैल्यूज, आपको क्या करना है ना, देखो प्राइसेस है, ठीक है, प्राइसेस में आप पॉसिबल मैंने लिखा हुआ है, तो पॉसिबल कितनी चीजों की है वो आपको करना है। तो पॉसिबल तो जैसे आप बता रहे हो 22 वो भी है, 10 6 वो भी हो सकता है, बट आपको ना कोई भी जो क्वांटिटी होगी ना कॉम्बिनेशन वो छोड़ना नहीं है। तो अगर आप स्टार्ट करते हो यहाँ से तो ऐसे पॉसिबिलिटी छूटेगी नहीं। तो जैसे आप पूछ रहे हो कुछ भी रख सकते हैं, रख तो सकते हैं, बट देखना कि कोई भी जो कॉम्बिनेशन हो वो छूटे ना, कि मान लो इतनी क्वांटिटी आप खरीद सकते थे और आपने वो कॉम्बिनेशन ड्रॉ ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि बजट लाइन की प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन तो बेटा तब होगा ना जब दोनों के बीच में कॉन्स्टेंट रेशो रहे। ठीक है, और कॉन्स्टेंट रेशो कब रहेगा? जब आप हर एक कॉम्बिनेशन को लेते हो। ठीक है, आप एक भी कॉम्बिनेशन को छोड़ते नहीं हो, जो भी पॉसिबिलिटी ड्रॉ हो सकती है आप करते हो। आप लोग क्या करते थे जब वो स्टैटिस्टिक्स में याद करो, दो कॉइन को जब आप टॉस करते हो तो जो भी कॉम्बिनेशंस आते हैं आप हर एक कॉम्बिनेशंस को लेते हो। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं करते कि हेड 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 टेल 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 छोड़ दिया, टीएच ले लिया। तो आप एक हर एक पॉसिबल यू नो आउटकम्स को लेते थे ना स्टैटिस्टिक्स में भी, इसमें भी आपको हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लेने हैं जो भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि मैं मैक्सिमम जो क्वांटिटी एप्पल की खरीद सकता हूँ वो है 25 इनिशियली,
और क्वांटिटी बी अगर मैं ये मैक्सिमम ये परचेज कर रहा हूँ क्वांटिटी ए का, तो क्वांटिटी बी मुझे जीरो रखनी पड़ेगी क्योंकि ये मैं पूरा पैसा मेरा यहाँ चला, ठीक है। अब ऑर्डर डिसाइड कर लो, ठीक है। तो अब नॉर्मल सी बात है, अब तुम देखो यहाँ बढ़ा सकते हो, अब ये तुम 20 खरीद लो तो ये 400 बन गया, ठीक है। इधर कर दो कितना, 2 कर दो, 2 यूनिट्स बढ़ा दो, तो ये 100 हो गया। 400 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 500, ठीक है। अब इसको क्या करते जाओ, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करते जाओ और इसको कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते जाओ, ठीक है। इस पे आप कितना कर सकते हो बताओ, 20 के बाद 15 किया जा सकता है, 15 यस 300 हो जाएगा, और इसको हम कर सकते हैं 4। तो आप देख रहे हो कांस्टेंट है, 5-5 का डिफरेंस है, इसमें 2-2 का डिफरेंस है, तब आप देखना स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका 200। इसके बाद इसको कर दो 10, इट विल बी 200, और इसको कर दो 6, तो ये हो जाएगा 300, 300 प्लस 200 इज 500, देन उसके बाद इसको करो 5, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। और 50 में कर दो आप, यस इट विल बी 400, तो 400 प्लस 100 इज 500। अब आप देखना, जब आपने एक बार इसको जीरो रखा था ना, तो एक बार ये भी जीरो होगा, और अब वो टाइम आ चुका है। लास्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, कुछ भी एप्पल नहीं खरीदा पर बनाना सारा खरीद लिया, और वो था 10 बनाना हम खरीद सकते थे मैक्सिमम, 50 रुपए अगर एक का प्राइस है, तो 500 पुराने के लिए तो आपको 10 बनाना खरीदने पड़ेंगे ना, तो 500 प्लस 0 इज 500, गॉट इट। ये रहे आपके कॉम्बिनेशंस, ठीक है। बीच में थोड़ा लाइनिंग आ गया है, बट आई होप ये, हाँ ये क्लियरली है ही आपको विजिबल, ठीक है। तो यही बात है, आप खुद देख सकते हो आपने क्वांटिटी ऑफ एप्पल एंड क्वांटिटी ऑफ बनाना को कुछ इस तरीके से रखा कि सारे पॉसिबिलिटी आ चुके हैं अभी यहाँ पे, एक भी पॉसिबिलिटी छूटी नहीं, ठीक है। तो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो छोड़ना नहीं होगा बेटा, ठीक है। या तो आप एक ऑर्डर डिसाइड कर लो आपकी, आप इतना इतना बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, इतना इतना कम करते जा रहे हो, विच विल बी फिक्स्ड, बट आप कोशिश किया करो कि हमेशा एक को कर दो फुल और दूसरे का कर दो निल, और जो लास्ट कॉम्बिनेशन होगा उसमें वो निल हो जाएगा जो पहले फुल था, और जो पहले निल था वो फुल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ना छूटेंगे नहीं फिर, तो ये एक तरीका होता है। तो यहाँ पे कंप्लीट बजट सेट मिल गया, ठीक है, यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। नाउ लेट्स सेट बजट लाइन, लेट्स ड्रॉ द बजट लाइन, ठीक है। इसी फिगर को देखते हुए बजट लाइन बनाते हैं, यहाँ स्पेस कम है, मैं नेक्स्ट उस पर बना देता हूँ, ठीक है। कॉम्बिनेशंस रख लेते हैं हम, मेनली तो हमें क्वांटिटी ऑफ ए एंड क्वांटिटी ऑफ बी की जरूरत होगी ना, जो हम प्लॉट करते थे, तो हम फाइनल अपना जो शेड्यूल है ना हमारा इंडिफरेंस कर्व का या बजट लाइन का, वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। क्या कॉम्बिनेशंस हमें मिले, 6 कॉम्बिनेशंस हमें मिले हैं, राइट। और वहां पे जो क्वांटिटी कितनी थी एप्पल की और क्वांटिटी ऑफ बनाना, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो कुछ ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट। हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्या थे, क्वांटिटी ऑफ एप्पल सबसे पहले हमने 25 यूनिट्स खरीदा था और इसका जीरो खरीदा था, ठीक है। फिर 5-5 का हम देख रहे थे डिक्रीमेंट हो रहा था इसमें, और इसमें इंक्रीमेंट हो रहा था 2-2 यूनिट्स का। देन 15, 25 से 20, देन 15, ये हुआ था 4, फिर 10, तो ये हुआ था 6, फिर ये हुआ था 5, तो ये हुआ था 8, एंड देन जब ये जीरो हुआ तो ये हुआ था हमारा 10, ठीक है। यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे दो गुड्स के जो हमने ड्रॉ किए हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइसेस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। और बजट लाइन का कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया क्योंकि ये वो सारे कॉम्बिनेशंस है जहां पे मनी इनकम इक्वल है 500-500, ठीक है। नाउ लेट्स मेक अ डायग्राम, यहाँ पे आप डायग्राम बनाते हैं, बजट लाइन देखेंगे कैसे होता है। एप्पल को रख दो यहाँ पे क्योंकि ये जो ऑर्डर है दिस इज गुड फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8 and 10, राइट। सो दिस इज बनाना, एंड यहाँ पे रख दो एप्पल। 5-5 का गैप ले लेते हैं, परफेक्ट है, ठीक है। 5, 10,
15, 20 and highest is 25, right? 5, 10, 15, 20 और 25. Now, अपने combinations draw करो. जब banana 0 है, तो apple 25 है. तो यहां से starting होगी. This is one point, ठीक है? फिर, 2 units of banana and 20 units of apple. यहां पे होगा. फिर 4 units of banana and 15 units of apple. यहां पे होगा. फिर ये 10 units of apple and 6 units of banana, वो combinations यहां पे बैठेगा. Then 8 units of banana and 5 units of apple यहां पे. And last में 10 units of banana and 0 units of apple. ठीक है? तो draw कर लो अपनी line को. ये आपको कुछ straight line मिलेगा एकदम. ठीक है? देखो एकदम straight line. Okay? So this is the combination. ये हमारा क्या है? Budget line है. पहले अपने combinations यहां लिख लो. A, B, C, D और E. ये 5 combinations हैं, ठीक है? ये line क्या represent कर रहा है? ये line represent कर रहा है budget line को. ये हमारा budget line है, ठीक है? इसको draw करेंगे, फिर एक question मैं आपसे इसमें पूछता हूँ. Yes. ठीक है ये straight line क्यों आया क्योंकि जो दोनों goods की quantity थी उनके बीच में जो ratio है वो constant है आप खुद देख सकते हो इसको छोड़ो पहले के तो कुछ नहीं जाता ठीक है इसमें भी 5:1 सब में 5:2 है ना 5:2 का ratio है सब में 5:2 and 5:2 and 5:2 ये 5-5 यूनिट से कम हो रहा है ये 2-2 यूनिट से बढ़ रहा है तो रेशियो जो है वो 5:2 सब में है ठीक है इसीलिए स्ट्रेट लाइन हो के आया है ओके फाइन अच्छा ये तो रही बात आपकी पहली कि आपका स्ट्रेट लाइन क्यों था ठीक है अब सपोज करो एक पॉइंट यहां ड्रा करता हूं मैं ये है हमारा पॉइंट पी और एक पॉइंट में यहां पे ड्रॉ करता हूं Q ठीक है तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट P एंड हां स्ट्रेट लाइन ही होगा पॉइंट P एंड पॉइंट Q रिप्रेजेंट क्या किया जा रहा है सबसे पहले तो ये बताओ ये पॉइंट P है और पॉइंट Q जो है ये एक जो है बजट लाइन के अंदर है एक पॉइंट और एक जो है वो बाहर है तो क्या इस पॉइंट पे कोई पॉसिबिलिटी है बजट लाइन में रहने की और क्या पॉसिबिलिटी है उस पॉइंट को अचीव कर लेने की जो बाहर है कुछ रीजन आ रहा हो दिमाग में कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे हो इस पॉइंट को तो व्हाट इज दिस पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू रिप्रेजेंटिंग जो कि एक कर्व के अंदर है और दूसरा कर्व के बाहर ओके ये पॉइंट जो है पी और क्यू पॉइंट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट का मतलब है आप बजट लाइन के पीछे हैं एग्जैक्ट बजट लाइन ये है जो आपकी मनी इनकम को इक्वल कर रहा है ठीक है बट इस पॉइंट पे रहने का मतलब क्या है ये वो कॉम्बिनेशंस है जहां पे आपका मनी इनकम इक्वल नहीं है अब इक्वल नहीं है तो दो चीजें हो सकती हैं या तो एक्सीड कर गया है मेरा कॉस्ट या तो कॉस्ट कम है इनकम से तो ये वाला जो पॉइंट है ना इस पे आपने जितना पैसा आप मार्केट में लेके गए थे आपने स्पेंड ही नहीं किया पूरा आपके पास बचा रह गया आपने अंडर स्पेंडिंग किया 500 रुपए लेके गए 400 रुपए की शॉपिंग करके आए 100 रुपए बचा के तो ये जो 100 रुपए बच गए हैं जिसकी वजह से तुम एग्जैक्ट यहां पे नहीं आ पाए क्योंकि ये सारे तो वो पॉइंट है ना जहां पे 500 का वो है कॉम्बिनेशंस ठीक है पर ये पॉइंट ऐसा है जहां पे आपने पैसे बचा लिए हैं आपने अंडर स्पेंडिंग की है ठीक है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं अंडर स्पेंडिंग
अंडर स्पेंडिंग, आपने पैसे उतने स्पेंड ही नहीं किए, इसी वजह से आपने कम कॉम्बिनेशंस खरीदे, ठीक है। पी इज इनकम इज अंडर स्पेंड, वेरी गुड। एंड ये जो पॉइंट है ना, इसको हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, हम इसको अटेन नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल इनकम एक्सीड हो जाए या प्राइसेस कम हो जाए। ये है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, दिस इज यू, ओके, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है वो कॉम्बिनेशन जो आप अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि 500 रुपए ही है पॉकेट में, आप उससे ज्यादा कैसे बढ़ जाओगे? 500 रुपए में अगर आपने डिसाइड किए हैं आप ये क्वांटिटी खरीद सकते हैं, तो यही इतना ही खरीद सकते हो, 30 यूनिट्स एप्पल नहीं कर सकते हो। 25 रुपए 20 रुपए अगर तुम्हारा प्राइस था एप्पल का, तो अगर तुम 30 एप्पल खरीदते हो तो 600 रुपए हो जाएंगे और तुम्हारे पास 500 ही है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बजट, यस, ये जो पॉइंट बजट लाइन के बाहर है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को, मतलब हम इसको अटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है उतने, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है उतने। तो ये वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसमें ये सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो जो भी आपने ये बजट लाइन पे ऑब्जर्व किया। राइट डाउन द हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बजट लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बजट लाइन, बजट लाइन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या देखा कि बजट लाइन में हमने क्या क्या बातें थी जो ध्यान में रखने वाली है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बजट लाइन, पहला क्या है, पहला तो आपने ये देखा कि बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व जैसा है ना, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिल्कुल डिमांड कर्व जैसा ही बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव रिलेशन है, बट प्राइस और डिमांड के बीच में नहीं है नेगेटिव रिलेशन, एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे कमोडिटी की, तो दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को आपको कम करना पड़ेगा। तो बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन, ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी। दो कमोडिटी जो हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तभी तो हम वो लाइन यूज करते थे ना, मोर ऑफ वन गुड मींस लेस ऑफ अदर गुड्स, एक कमोडिटी का ज्यादा मतलब दूसरे कमोडिटी का कम। सेकेंड पॉइंट आपने क्या नोट किया, कॉम्बिनेशंस विच कॉस्ट exactly equal to the consumer's money income, combinations which cost exactly equal to the consumer's money income lies on the budget line. जो कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर की मनी इनकम के इक्वल थे वो एग्जैक्टली बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। बजट लाइन के ऊपर मतलब जो वो लाइन जा रही है ना उस पे वो लोग डॉट बना रहे हैं। तो आप अपने उस कर्व को देखो, जो कॉम्बिनेशंस एग्जैक्टली इनकम के इक्वल है वो लाइन पे है उनके डॉट्स, ठीक है, ना लाइन के अंदर है ना लाइन के बाहर है। तो ये हमेशा होगा, जो मनी इनकम के इक्वल होगा ना कॉम्बिनेशन, वो बजट लाइन के ऊपर ही रहेगा, ओके, बजट लाइन के बाहर या अंदर नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट जो हमने बात करी वो था एक कॉम्बिनेशन जो अंदर था बजट लाइन के, ठीक है,
कॉम्बिनेशंस, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉम्बिनेशंस विच कॉस्ट लेस देन मनी इनकम इज लेस देन मनी इनकम शोज अंडर स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर शोज अंडर स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर जो पॉइंट वो कॉम्बिनेशन जहां पे मेरी कॉस्ट कम है इनकम से वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंज्यूमर ने अंडर स्पेंडिंग किया है मतलब उसने कम स्पेंड किया है ठीक है लाइक पॉइंट पी लाइक पॉइंट पी ऑन बजट लाइन नहीं बिलो बजट लाइन जो पॉइंट पी है जो कि बजट लाइन के बिलो है वो आपका अंडरस्पेंडिंग है ठीक है ये आपने ऑब्जर्व किया तीसरी बात बजट लाइन के बारे में चौथा पॉइंट आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कॉम्बिनेशन क्यू जो है कॉम्बिनेशन क्यू जो हमने बाहर डाला है बजट लाइन के कॉम्बिनेशन क्यू इज अनअटेनेबल वो ना अनअटेनेबल है अनअटेनेबल का मतलब होता है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते या जिस पे आप पहुंच नहीं सकते जब तक उसको जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है वो क्राइटेरिया जो है वो चेंज ना हो जाए ठीक है तब तक आप वो पॉइंट अचीव नहीं कर सकते तो वही बात है ना अगर तुम 600 यूनिट की 600 रुपए की शॉपिंग करना चाहते हो तो बेटा 100 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे पॉकेट में 500 रुपए ही थे तुम्हारे पास या फिर ये कर लो कि किसी सस्ते वाले मार्केट में चले जाओ तो फिर तुम 500 रुपए में ज्यादा सामान भी ले आओगे ठीक है तो दो ही ऑप्शन है या तो प्राइसेस को कम कर दो या तो इनकम को बढ़ा दो ठीक है तभी आप अटेन कर सकते हो तो कॉम्बिनेशन क्यू इज अनअटेनेबल बिकॉज ए कंज्यूमर कैन नॉट स्पेंड मोर देन दी इनकम नॉर्मल सी बात है तुम इनकम से ज्यादा कैसे स्पेंड कर लोगे It lies outside the budget line. ये वाला जो point है point Q combination Q it will lie outside the budget line. ये ध्यान रखना है ठीक है ये हमेशा budget line के बाहर ही होगा जो unattainable होगा. तो ये बात है इसमें. ये कुछ important points हैं about budget line जो ध्यान रखना है ठीक है कि budget line downward sloping होता है प्लस जो है उसका कॉम्बिनेशंस जो है वो क्यों डाउनवर्ड होता है क्योंकि एक कमोडिटी अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी कमोडिटी कम करना पड़ेगा नॉर्मल सी बात ठीक है पैसे नहीं है ना कॉम्बिनेशंस जो एग्जैक्टली इक्वल है मनी इनकम के वो आपके बजट लाइन पे होंगे और जो कॉम्बिनेशंस आपके बिलो है बजट लाइन के वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अंडर स्पेंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है एंड द कॉम्बिनेशंस व्हिच इज आउटसाइड द बजट लाइन is representing that you are unattainable unless and until income mein change ho jaye ya prices mein change ho jaye got it itni si baat thi budget line ke bare mein jo aapko dhyan rakhna hai now the important is properties of budget line वैसे बार बार वही बातें रिपीट हो रही हैं बट एक स्पेसिफिकली उसके भी प्रॉपर्टीज हैं तो लिख ही लेते हैं ना दो ही तो प्रॉपर्टीज हैं ठीक है वो दो प्रॉपर्टीज क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ फिर हम लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आई सपोज आज हम यही कंप्लीट कर पाएंगे टॉपिक्स को भी डजंट मैटर ओके ओके फाइन तो हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन लिखते हैं एक बार जस्ट अ मिनट फाइन ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन ठीक है यस द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड
या बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो हमने देख लिया, ये हमने पहले भी नोट कर लिया, ठीक है, दैट बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब रीजन क्या है वो तो मैंने आपको बताई दिया है ना, नेगेटिव रिलेशन है दोनों क्वांटिटी के बीच में, इसलिए। दूसरा था बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन बेटा, वो कर्व नहीं होता, ठीक है, हम बजट लाइन को कभी भी, तभी उसके साथ बजट कर्व नहीं लगा हुआ है क्योंकि वो लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन है, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा एक लाइन के फॉर्म में होगा और एक वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। वो क्यों होगा? बिकॉज उन दोनों के बीच में जो प्राइसेस का रेशियो है ना वो कांस्टेंट है, सब पे वही है, दो ही चीजें हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट रीजन तो क्या है कि प्राइसेस जो है ना एप्पल और बनाना के वो कांस्टेंट थे हर एक कॉम्बिनेशन पे, है ना, 25:2 कितने का रेशियो था, 20:10 का रेशियो था, है ना, 2:2 जो भी प्राइस था क्या था, क्या रखा था प्राइस हमने यार, 20:50, 2:5, 5:2, व्हाट जो भी रेशियो है इसका, 5:2 था सब पे, ठीक है। तो वो एक बात थी और वही चीज आप देख रहे थे, सिमिलरली आपका जो स्लोप भी निकल के आ रहा था, ठीक है, जो चेंज था क्वांटिटी ऑफ बनाना एंड क्वांटिटी ऑफ एप्पल में, वो भी 5:2 ही था, 5 यूनिट से वो कम हो रहा है, 2 यूनिट से ये बढ़ रहा है। तो रीजन दो होते हैं स्ट्रेट लाइन के, बजट लाइन के, पहला क्या है, prices ratio remain constant and जो उसका marginal rate of exchange है वो भी constant है, सब पे 5:2 है, 5:2 है, ठीक है। तो आप लोग reason लिख लो, why budget line is a straight line, because the price ratio between two goods, the price ratio between two goods remain same at each combinations of two goods, at each combinations of two goods, दो goods के जो combinations थे उन सब की combinations पे जो prices थे two commodities के वो equal थे, है ना, prices of apple 20 था और price of banana 50 ही था, prices तो change नहीं किए थे हमने, तभी जो ratio था price का वो 5:2 है, और जो change निकालोगे quantity का वो भी 5:2 है। तो दूसरा region जो है ना वो marginal rate of exchange कहलाता है, please write down, because the price ratio between two goods remains same and also marginal rate of exchange between two goods remains same, between two goods remains सेम, दो गुड्स के बीच में जो रेशो है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है दोनों किस रेट से चेंज हो रहे हैं, तो दोनों भी सेम रेट से चेंज हो रहे हैं, 5:2, 5:2 एंड 5:2, वो मैंने आपको दिखाई दिया था, 5-5 डिक्रीज हो रहा था, 2-2 यूनिट्स इंक्रीज हो रहे थे हर एक कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। इसी वजह से बजट लाइन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है, एक पॉइंट ही है छोटा सा, नोट कर लो, क्या पता एमसीक्यूज में पूछ ले, चेंज इन बजट लाइन। क्या बजट लाइन एक ही लाइन रहेगी? क्या वो बदल नहीं सकती? क्या वो शिफ्ट नहीं हो सकती? चेंज इन बजट लाइन, तो आपको बस वो रीजन लिख लो, मैं बता देता हूं आपको, क्या पता एमसीक्यूज में आपसे पूछ ले, ठीक है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। Yes, so the first reason behind change in budget line, हो सकते हैं, सबसे पहला तो आंसर ये है कि हाँ बजट लाइन चेंज हो सकता है, बट कब, आप ही बताओ कब हो सकता है। चलो मैंने आपको ये तो बता दिया, अभी किस पे बजट लाइन डिपेंड करता है, तो
कब हो सकता है चेंजेस? एनीवन? वेरी गुड रजत। और रीजन बताओ, और क्या है? प्राइस में चेंज प्रतिका, ठीक है, क्या सिर्फ प्राइसेस में ही चेंज होंगे? एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता था क्या? वेरी गुड। इनकम में भी अगर चेंज हो जाए तो नॉर्मल सी बात है, एक बिहेवियर जिस चीज पे डिपेंड करता है, अगर वो जिस चीज पे डिपेंड करता है उसी में अगर हम चेंज कर दे तो नॉर्मल सी बात है जिस चीज पे वो डिपेंड कर रहा था वो बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो अगर आपका बिहेवियर है कंजम्पशन बिहेवियर, वो डिपेंड कर रहा है एप्पल और बनाना के प्राइसेस पे और आपकी इनकम पे, है ना, बजट लाइन आपका इसी पे डिपेंड कर रहा है, तो बजट लाइन बदलेगा भी तो तब ना जब आपके प्राइसेस बदल जाए या इनकम बदल जाए। तो यही दो रीजन है, ठीक है, यही ध्यान रखना है आपको। तो अब मेन बात क्या है ना कि दो कमोडिटी है तो कुछ भी हो सकता है, एक के प्राइसेस बदल गए दूसरे के कॉन्स्टेंट रहे, दूसरे के प्राइसेस बदल गए पहले का कॉन्स्टेंट रहा, ठीक है, इनकम तो ऐसा नहीं है, इनकम तो एक ही कंज्यूमर की है तो इनकम पूरी बदल गई, या फिर इनकम भी बदल गई और प्राइसेस भी बदल गए दोनों गुड्स के, कुछ भी हो सकता है। तो वेरियस ऑप्शंस हमारे पास क्या मिले आउटकम्स, वो ये हैं। चेंजेस कब कब हो सकते हैं? चेंज इन प्राइसेस ऑफ वन और बोथ प्रोडक्ट्स विद द नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, विद द नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ बट प्राइसेस जो हैं दो गुड्स के वो चेंज हो गए, फर्स्ट रीजन ये है। दूसरा रीजन लिखो, प्राइसेस सेम रह गए और इनकम बदल गई। नो चेंज इन प्राइसेस बट द इनकम चेंजेस, बट द इनकम चेंजेस, हाँ। एंड थर्ड पॉइंट होगा चेंज इन बोथ इनकम एंड रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हम बात करते हैं ना प्राइसेस की तो हम रिलेटिव वर्ड यूज क्यों करते हैं? ये एब्सोल्यूट प्राइस नहीं है, ये रिलेटिव प्राइस है। रिलेटिव प्राइस का मतलब होता है जब आप एक कमोडिटी की प्राइस में कंपैरिजन कर रहे हो बाय दी अनदर कमोडिटी के प्राइसेस। तो नॉर्मल सी बात है जब भी हम मार्केट में निकलते हैं ना तो हम प्राइसेस का जो इवैल्यूएशन करते हैं वो रिलेटिव बेसिस पे करते हैं, चाहे हमें एक कमोडिटी खरीदना हो चाहे हमें एक से ज्यादा खरीदना हो। एक कमोडिटी भी खरीदे तो आप देखते हो अच्छा इसके जैसा दूसरा है इसका क्या प्राइस है, और जब आप एक से ज्यादा कमोडिटी खरीदे तो आप देखते हो अच्छा ये वाला थोड़ा सस्ता है ये वाला थोड़ा महंगा है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा खरीद लेते हैं इसकी कम खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आर पॉसिबल, इसी रीजन से आपका बजट लाइन बदलता है, ठीक है। व्हाट इज दिस चेंज इन स्लोप? राधा चेंज इन स्लोप क्या कहना चाह रहे हो? स्लोप में क्या चेंज? स्लोप तो कांस्टेंट रहेगी बजट लाइन की, 5:2, 5:2, तभी तो वो उसका जो रेशो है जो स्ट्रेट लाइन है तभी तो होके आया है ना। यहाँ पे जो स्लोप हो गए ना वो कांस्टेंट रहेगा बेटा, तभी उसका बजट लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगा तभी वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप खुद देख रहे हो सब पे 5:2, 5:2 है, ठीक है। तो दिस इज द चेंज इन बजट लाइन। लास्ट इसका ही टॉपिक है, बजट लाइन है बहुत बड़ा, इसमें छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा ही है। हेडिंग डालिए स्लोप ऑफ बजट लाइन। जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मेजर किया विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बजट लाइन भी एक डायग्राम है
एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इसका भी स्लोप होगा, एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन इज मेजर्ड बाय द प्राइस रेशियो, वो हमने पहले ही बात कर ली है। जो रीजन है ना जिसके पीछे बजट लाइन स्ट्रेट लाइन है, वही उसके स्लोप होने का रीजन है। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज मेजर्ड बाय द प्राइस रेशो बिटवीन टू गुड्स। दो गुड्स के जो प्राइस रेशो है वो मेजर कर सकते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन को, एंड मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज भी मेजर कर सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है जो दो क्वांटिटी है कमोडिटी की वो किस रेट से बदल रही है, तो दोनों जिस भी रेट से बदल रही थी वो कॉन्स्टेंट था, राइट? तो यहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, आप एक तो ये कह सकते हो, और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। कैसे भी निकाल लो आंसर सेम आएगा, ठीक है? कैसे भी निकालो आंसर सेम आएगा, वो मैंने आपको बता दिया है। जो हमने पुराना शेड्यूल बनाया था बजट लाइन पे, उस पे आप खुद देखो, प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो 20 है और प्राइस ऑफ बनाना जो है वो 50 है, ठीक है? तो 5:2 का रेशो हो गया। और सपोज करो आप मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज निकालो, आप बनाना का कितना यूनिट्स बदल रहा था, बनाना का 2 यूनिट्स बदल रहा था, ठीक है? और एप्पल जो था वो 5 यूनिट से डिक्रीज हो रहा था, और सब में सेम था, तो वो भी 5:2 या 2:5, जैसे भी कहना है वैसे कह लो, 2:5 या 5:2। अगर 2:5 बोलते हो प्राइस को, वैसे फॉर्मूला ये है, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, ठीक है? तो एक्स आप जिसको अज्यूम कर रहे हो वो 5:2 रहेगा। सिमिलरली डेल्टा वाई भी आपका प्राइस जो है वो, हमने एप्पल तो वही लिया था ना उस पे वाई एक्सिस पे, है ना? बनाना लिया था एक्स एक्सिस पे, तो 5:2 का ही तो रेशियो आएगा दोनों से, कैसे भी मेजर कर लो। आई होप क्लियर हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक बार शो करके दिखा दूँ। आप लोगों को क्लियर हो रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ एक बार? बताओ भाई, थम्स अप दीजिए। ओके, दो चीजें है ना स्लोप में, एक तो प्राइस रेशियो है और एक मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज है, तो दोनों से ही 5:2 या 2:5 का रेशियो आ रहा है। ओके, ठीक है फिर, ठीक है। बस इतनी सी बात थी अबाउट बजट लाइन, ठीक है? तो यहाँ पे बजट लाइन कंप्लीट होता है। इसके बाद छोटा सा टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, वो भी कर ही लें, बस उसमें कंडीशंस देखना है, अगर आएगा तो कंडीशंस आए, ठीक है? उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, तो छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं, चलो। हेडिंग डालेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच में निकाला था विद दी हेल्प ऑफ डीएमयू, राइट? यहाँ पे जो आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी का इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप कंडीशंस लिख लो जो इम्पोर्टेंट है, कंडीशंस फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा यही था कि दो कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद वो पॉइंट कहाँ पे आएगा जहां पे मैं ये बोलूंगा कि आई गॉट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन by consuming these two quantities of two goods and services, ठीक है? दो commodity थी, दोनों की इतनी quantity को consume करने के बाद जब मैं ये बोल दूँ कि दोनों से मिलने वाला satisfaction same है, उस point पे हमारा consumer's equilibrium होता है, ठीक है? The conditions of consumer's equilibrium means, conditions की बात कर लेते हैं, paper में तो यही आएगा, अगर आता है तो।
ध्यान रखना कार्डिनल अप्रोच के कंडीशंस और ऑर्डिनल अप्रोच के कंडीशंस डिफरेंट है, ठीक है। कार्डिनल में हमारा था सिंगल कमोडिटी केस और डबल कमोडिटी केस। सिंगल कमोडिटी में जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस सेम होते हैं तब इक्विलिब्रियम होता है, और डबल कमोडिटी में जब मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई इक्वल हो जाए तो, ठीक है। पहला कंडीशन इसमें आता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो जहां पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप इक्वल हो जाए वहां पे आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आप ही मुझे बताओ इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कौन मेजर करता है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कौन मेजर करता है, वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इतना टाइम लग रहा है। इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को कौन मेजर करता है? MRS, वेरी गुड। तुम्हें याद नहीं रह रहा सच्ची बताऊं, तुम लोग पीछे पेजेस पलटते हो। यस, द फर्स्ट कंडीशन इज MRS बिटवीन टू गुड्स। दो गुड्स तो हमें लेने पड़ेंगे, तो MRS बिटवीन X Y should be equal to price of X divided by price of Y, ये लिखा होता है, ठीक है, ये लिखा होगा। अब देखो या तो एक तरीका इस options, अच्छा ओके फाइन, या तो तरीका कैसे MCQ बनाने का, या तो एक ये तरीका है कि एक ही option सही हो इसका, ठीक है, conditions of consumer equilibrium का। या इसको दूसरा तरीका ये है, पहला ऑप्शन ये दे दिया स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, दूसरा ऑप्शन भी यही डाला अल्फाबेटिकली टर्म्स में, फिर तीसरा ऑप्शन डाला बोथ ए एंड बी, एंड चौथा ऑप्शन बोला नन ऑफ दी अदर। तो आप लोग टिक करोगे बोथ ए एंड बी, बिकॉज यहाँ पे दोनों कंडीशन का मतलब सेम है। स्लोप ऑफ आईसी जो होता है वो MRS होता है, एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन जो होता है वो होता है प्राइस रेशियो, ठीक है। और जहां पे एक ही ऑप्शन ठीक होगा, या तो ये दिया हो, तो फिर तो वहां तो एक ही टिक करना है, ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड द सेकंड कंडीशन जो है ना वो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूसली फॉल्स। तो ये तो हमें भी पता है, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे एक कमोडिटी का, दूसरी कमोडिटी का जो सैक्रिफाइसिंग यूनिट्स होते थे वो डिमिनिश होते रहते थे, वो गिरते रहते थे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो यही दो कंडीशंस होते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या करो, एक डायग्राम बना दो, ठीक है, ताकि वो याद रहे। इस कंडीशन को ज्यादा याद रखना होता है, ये वाला पूछते हैं, ठीक है, इसी से डायग्राम भी बनता है। देखो तुम्हारा बजट लाइन ऐसा होता था, ठीक है, यही है बजट लाइन। आईसी तुम्हारा ऐसा होता था, ये है तुम्हारा वन आईसी वन, ये है तुम्हारा आईसी टू, एंड ये है तुम्हारा आईसी थ्री। तीन आईसी कर्व मैंने बना दिए, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि तुम्हारा इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे है जहां पे तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन इक्वल है, ठीक है। So this is the equilibrium at point E, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे MRS जो है स्लोप IC का और बजट लाइन का स्लोप प्राइस रेशो वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इक्वल है वो दोनों। ये दोनों पॉइंट इसलिए नहीं हो सकता, ये तो अनअटेनेबल है, ठीक है। आपका बजट लाइन यहाँ है, आप इससे ऊपर कहाँ भाग रहे हो? हाँ, इसके ऊपर भागने का मतलब क्या है, तुम यहीं तक जा सकते थे पर तुम इससे आगे जा रहे हो, विच इज अनअटेनेबल। ये तो हो नहीं सकता, ये आईसी, ये वाला आईसी भी क्यों नहीं है, अंडर स्पेंडिंग है। तुम्हारा बजट लाइन का पॉइंट इस पे लाई करेगा पर तुम तो भाई अंदर जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, तुमने जो कॉम्बिनेशन खरीदे हैं तुम्हारे कॉम्बिनेशन कम है, तुम्हारा इनकम अभी बचा होगा, ठीक है।
यही एक वो आईसी है जिस पॉइंट पे तुम्हारा कॉम्बिनेशंस और तुम्हारा जो इनकम है वो इक्वल हो रहा है, ठीक है, इसी वजह से तुम इस पॉइंट पे हो। तो इतनी सी बात है, बस कंडीशंस को याद रखना है बेटा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का भी टॉपिक खत्म और पूरा कंज्यूमर बिहेवियर ही खत्म हो जाता है यहाँ पे बाय कार्डिनल अप्रोच भी एंड बाय ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने ओवरऑल कंज्यूमर में? हमने यूटिलिटी पढ़ा, हमने अप्रोचेस देखे, दो थे, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल में हमने लॉ ऑफ डीएमयू की बात करी, है ना, हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा इन द सिंगल कमोडिटी केस एंड इन द डबल कमोडिटी केस, हमने कंज्यूमर सरप्लस भी देखा, ठीक है, वो एक छोटा सा टॉपिक। फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी में हमने इंडिफरेंस कर्व को देखा, एमआरएस को देखा, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ी इंडिफरेंस कर्व की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पे फोकस रखना इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है। फिर बजट लाइन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस भी हैं, ठीक है, वो भी ध्यान रखने हैं, बजट लाइन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उस अकेला छोटा सा कॉन्सेप्ट में कितनी सारी चीज है, उसका मीनिंग है, उसका शेड्यूल है, उसका डायग्राम है, उसके प्रॉपर्टीज है, उसका स्लोप है, ठीक है, तो वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच देखा। तो यहाँ पे आके इतना टॉपिक कवर करने के बाद हमारा कंज्यूमर बिहेवियर खत्म हो जाता है, यूनिट टू कंप्लीट है, चैप्टर टू भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चैप्टर टू में 3 यूनिट्स थे जो कंप्लीट हो चुके हैं, इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, जो कि आई एम नॉट कंफर्म कि कल होगी, ठीक है, नॉट श्योर अभी, आई विल कंफर्म यू, ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा बाय इवनिंग, ठीक है, और वो नहीं हुई तो संडे को फिर तैयार रहना आप लोग, बिकॉज संडे को मैं हॉलीडे ले रहा था, लीव पे रहा, ठीक है। तो अगर कल की क्लास नहीं हो पाई तो संडे हम लेंगे, एंड देन मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे ऑफ रहेगा 3 दिन, थर्सडे से वी विल बी रेगुलर, ठीक है, थर्सडे से रेगुलर रहेगा लाइक वीक डेज पे, ठीक है, नो बीच में छुट्टी, आपका जो बाकी का जैसा शेड्यूल है बाकी सब्जेक्ट्स का वैसा ही शेड्यूल फॉलो होगा, बिकॉज थर्सडे आई एम फाइनली फ्री फ्रॉम अदर थिंग्स, ठीक है, और उसी दिन से आपका 23 से हम बीसीआर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, आज अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि टाइम तो ऑलमोस्ट हो चुका है, मैंने सोचा था कि हम एमसीक्यू स्टार्ट कर देते बट लेकिन टाइम तो ऑलमोस्ट डन है, तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को रिविजन का टाइम मिल गया आज का और कल का भी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, 80% आई एम श्योर कि नहीं ही होगा, 20% आई विल कंफर्म यू बाय इवनिंग, ठीक है, तो वो चीज मैं आपको एक बार बता दूंगा, बाकी आप अच्छे से रिवाइज करो इसको, और हाँ एमसीक्यूज जितने सॉल्व कर लो ना बेटर है, यहाँ पे बस डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, जल्दी 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 इसको सॉल्व करते रहेंगे, अच्छा ये ऑप्शंस मिलते गए, सेकंड पे बढ़ो, इतना टाइम नहीं लगाएंगे डिस्कशंस पे, ठीक है, क्योंकि यार 120 एमसीक्यूज हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में तो कंप्लीट करना ही है, ठीक है। तो चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, वो मैं कंफर्म कर दूंगा, बट टिल देन आप लोग इस पे ध्यान रखो, रिवाइज करते रहो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, चलो ओके बाय, थैंक यू फॉर टुडे। कैसे मैम।